बुक दिखाइएगा सलोन, ओ सॉरी पूर्वी, बुक दिखाइए, बुक ओपन कर दीजिए, तीसरा पेज, बुक ओपन करिएगा। हाँ सेल रेफरेंस इसमें नहीं है, है आप सेकंड पेज पे आइए। हाँ इसके आगे वाले पेज पे, इस पेज पे नहीं है। मैं बताऊंगा इसको क्या कैसे करते हैं, बहुत इजी है ये। पहला कौन सा है, रिलेटिव, हाँ रिलेटिव होता है, रिलेटिव एब्सोल्यूट और मिक्स्ड है, मिक्स रेफरेंस, वो बहुत सिंपल है, इसको बनाएंगे हम तो बिल्कुल। सर इसमें सर्कुलर रेफरेंस भी है, सर्कुलर रेफरेंस, सर्कुलर रेफरेंस मुझे दिखा दीजिएगा, मैं बता दूंगा। वैसे ही देखिए कैसे बनेगा ये, आप एक्सेल शीट पे कैसे बनाएंगे ये देखिए। ये मैं भी बनाऊं? नहीं ये मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। अच्छा ये एक्सेल पे कैसे परफॉर्म करोगे, आप ओपन करिए, जब तक लैपटॉप ऑन करिए, एक सेकंड ऑन करती हूँ मैं, जब तक आपको डिजाइन कर रहा हूँ तब तक आप लैपटॉप ऑन करिए। हो गया, लैपटॉप ऑन हो गया आपका? सर एक सेकंड आ रही थी, ओपन कर रही हूँ। ओपन करिए एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर, ओपन करिए मैं बताऊंगा। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज ओपन करिए, ओपन हो गया। यस सर, अब जैसे ये टेबल बनाई है ना मैंने, ऐसी एक टेबल बनाई है, बीच में से ले लीजिए, बीच में से, हाँ ऐसी एक टेबल बनाई है ऐसे ही, हाँ ये दो टेबल को मिक्स करना आता है आपसे? मर्ज करना आता है, मतलब मर्ज, चलिए मैं बता दूंगा पहले इतना कर, हाँ इतना कर लीजिए पहले। ये लिख रहा है मैथ्स, ठीक है इसको मैं समझा रहा हूँ बस। वन वन मत लिखना, अभी वन मत लिखना, वन लिखा हुआ है वहां पर, आगे देखिए इधर करिए, देखो इधर वन टू थ्री फोर फाइव लिख रहा होगा, लिख रहा है, अरे साइड में देखिए लिख रहा है ना, ये सब फोर फाइव ए बी सी डी लिख रहा है। अब आगे आगे वहां पर लिखिए टोटल, मैथ्स से आगे लिखिए टोटल, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ उसको, रिलेटिव कैसे बनाएंगे, एब्सोल्यूट कैसे बनाएंगे, ये चीज बतानी है मुझे बस। अब यहाँ पर नंबर नंबर डालिए, नंबर यहाँ पे नहीं, नंबर डालिए इंग्लिश में, नंबर लिखिए इंग्लिश में, नंबर लिखिए इंग्लिश के मार्क्स लिखिए नीचे, एट कॉलम में इंग्लिश के मार्क्स लिखिए, एट कॉलम है फोर कॉलम है,
इसमें नंबर को कितना है इसका, 14 है 15 है? सर क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप जहाँ पर इंग्लिश लिख रहे हैं उससे आगे नंबर डल रहे हैं ना, 1 2 3, कितने नंबर पे है ये आपका? अरे भाई ये इंग्लिश जहाँ लिख रहा है ना उसके आगे आगे नंबर्स लिखे हुए हैं ना, 1 4, वो कौन से नंबर पे है इंग्लिश वाला? इंग्लिश लिखा है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जरा लेके आइएगा। हाँ थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है ना। हाँ, अब नीचे इंग्लिश के नीचे मार्क्स लिखो, इंग्लिश के कितने भी मार्क्स लिख दो, 50 60 जितने भी हैं मार्क्स लिखिए। अरे ऊपर ही लिखिए ना, ऊपर ऊपर ही लिखिए ना, इससे ऊपर मार्क्स लिखिए ना। हाँ अच्छा। इंग्लिश के नीचे, हाँ यहाँ लिखिए, आगे लिखिए हिंदी के। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ रिलेटिव कैसे बनाते हैं। रिलेटिव में जो आपका ही कॉलम है ना, ये लिख रहा है टोटल, देखना इसको कैसे बनाएंगे। देख जो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही लिखना है। ये आपका कहाँ से कहाँ तक है ये देखो, पहले आपको लिखना है सम इक्वल टू सम, SUM सम, ठीक है। वहां लिखिए सम, टोटल के नीचे सम लिखिए जैसे मैंने लिखा है, इक्वल टू सम अपना आप आ जाएगा लिख के सम, इक्वल टू सम, एक सेकंड, जैसे इक्वल टू सम लिखेंगे वहां आ जाएगा अपना आप। आ गया सम, तो सम का ऑप्शन आ रहा होगा बेटा, सम लिखिए, इक्वल टू लगाइए, इक्वल टू SUM। अब वहां पर नीचे देखो सम लिख के आ रहा होगा, इसमें सम ऊपर ऊपर आ रहा है, इसे क्लिक करो। हाँ क्लिक करिए, ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट ब्रैकेट लग गया अपने आप। हाँ अपने आप लग गया। अब आपको ये देखना है इंग्लिश में मार्क्स कितने आपके, 50। तो ये कौन से कॉलम पे है, कौन से कॉलम पे, देखिए कॉलम कौन सा है, F फोर्थ। अरे भाई कॉलम कॉलम होते हैं ये ऊपर जो होते हैं, F कॉलम पे हैं F। अब ये कौन से नंबर पे, नंबर फोर, नंबर फोर, F फोर, ऐसे लिखना है F फोर कॉलन, कहां से लेके कहां तक है, H, H ही तो नंबर है ना लास्ट, मैथ का नंबर कौन सा है, H, F4 से लेके H4 तक, F4 से लेके H4 तक लिख दीजिए। F4 से लेके H4 तक लिख ली। अब एंटर करिए, देखो आ गया कितना आ रहा है, सही आ रहा है, 150 आ रहा है ना। हाँ ये इसे बोलते हैं हम रिलेटिव एक्सप्रेशन, जो आपने ये लिखा है ना F4 लिखा है ना। हाँ। और H4 इसे बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस। ये कॉपी पे लिख लीजिए अपनी, कैसे लिखूं कॉपी पे, एक टेबल ऐसी बना लीजिए, टेबल ऐसी स्ट्रक्चर बना लीजिए और नीचे यहाँ पर ऐसे लिख दो शो करके रिलेटिव रेफरेंस। एक सेकंड, ऐसे ही इसमें आप 5 डेटा बना के सम को टोटल करते चले जाएंगे आप। अभी बनाना है आपको ये 5 डेटास।
रिलेटिव उसके आगे क्या लिख सकते हैं? उसके आगे बस ये लिखो F4 से H4 तक जो बनाया आपने वो रिलेटिव है जी। लिख ली, रिलेटिव बोलते हैं इसको, इसको रिलेटिव बोलते हैं बेटा। जी सर लिख ली। आपसे पूछेगा कि रिलेटिव क्या होता है, आप F4 से लेके H4 जो आपका कॉलम नेम है ना, जहां से आप ऐड कर रहे हैं, जहां से कहां से ऐड कर रहे थे आप, ये तो ये क्या था आपका, सपोज करो मैं बना रहा हूँ, ये था F, ये था G, ये H, ठीक है हाँ। यहाँ एंट्री लिखी मैंने, आपने लिखा 50, 40, 60, ठीक है, तो F4 से लेके H4 तक ही तो लूंगा, तो मैंने ये हो गया, ये हो गया आपका रिलेटिव। हो गया? Yes sir। बना लिया आपने? Yes sir। पांच एंट्री करिए, फाइव एंट्रीज करिए उसी के अंदर, और सम करके दिखाइए मुझे अभी, और उसका स्क्रीनशॉट, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास सेंड करिए। यानी कि कोई सा भी नंबर लेके उसमें प्लस करना, पर आपसे करने आ जाओ बस। बना ली टेबल सर? अभी बस दो बने, तीन बने। आंसर सही निकल रहे हैं इसके? यस सर। ओके बन गया, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करिए, मैम को सेंड करती, मैम मुझे कर देंगी।
से भेज दी। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आपका है एब्सोल्यूट। सर क्या लिखूं? एब्सोल्यूट 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 ये भी बना लूं? ये आपको बस करना क्या है मैं बता देता हूँ, बस आपको लास्ट पॉइंट देखना है। सेम ऐसी बनेगा, बस आपको क्या करना है, जहां पर आपने F4 लिखा है ना, वहां पर आपको डॉलर लगाना है। डॉलर साइन लगाना है आपको, डॉलर साइन, बस डॉलर साइन से ही एब्सोल्यूट बन जाता है। अच्छा लिख ली, इसको बनाइए, टेबल को बनाइए, परफॉर्म करिए। अच्छा 5 एंट्रीज करिए, फिर मैम को सेंड करिए, मैं चेक कर लूंगा सब। याद रखिए एब्सोल्यूट में डॉलर साइन यूज होता है। सर ये कैसे करना है एक बार बता दीजिए। जी बेटा, इसको कैसे करना है? जैसे आप F4 लगा रहे थे ना वहां पर, हाँ, बस उससे पहले डॉलर साइन लगा दीजिए। डॉलर साइन देखो आप कीबोर्ड में देखिए अपने, मैं बताऊं। ये सर मिला है, डॉलर साइन लगा रही हूँ। डॉलर साइन F4 से पहले लगाना और H4 से पहले लगाना, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लगाना है आपको। सर इसमें F4 नहीं, 11 पे कर रही हूँ। अच्छा 11 कर रहे हो, जो भी नंबर है वो ले लीजिए बस। इसके बाद 11 लगनी है, पीछे का हाँ लग गया। ओपन करिए लैपटॉप में, बताओ। डॉलर साइन लगा दिया? हाँ ठीक है, डॉलर साइन लगाइए, पहले इससे पहले डॉलर साइन लगाइए। लगा, अच्छा फिर से। एफ नंबर कौन सा है, कहाँ तक लोगे? एच तक। हाँ एक मिनट, एक एफ एच 11 होगा, एच 11। अच्छा बंद करिए, आ गया। हाँ 70 आ गया, टोटल आ गया आपका 70। हाँ तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट। अच्छा इसकी एंट्रीज करिए 5। कर रही हूँ।
is equal to F12 colon H12 into is equal to F15 colon H15 into 90 90 90. ओपन करिए लैपटॉप, ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए अपना। हेलो, सर हो गया, दिखाइए, भेज दो। आया समझ में आपको ये? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। आप एक काम करिए, जहां पर आपने एब्सोल्यूट लिखा है ना, हाँ, ये लिख दीजिए डॉलर साइन यूज होता है यहाँ पर, ये लिख दीजिए, आपको याद रहेगा। क्या हुआ पूर्वी? कुछ नहीं, ओपन करिए जरा, मैं अभी तो देखूं क्या लिख रहे हैं आप। एक सेकंड, लिखिए। नहीं ऐसे मत, कल दूसरा आ जाएगा इसका। ये क्या हो रहा है सर? नहीं आएगा, नहीं ऐसे नहीं आएगा इसका, मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। ऐसे नहीं करना बेटा, इसको ऐसे मत करिए, बस आप ये लिख दिए डॉलर साइन यूज होता है इसमें, बस ये लिख दीजिए। तो इसके बीच में ये ब्लैंक क्यों आ गया? ये ठीक है, नहीं मर्ज हो जाएगा ये, मैं बता देता हूँ। इसको स्पेस को सिलेक्ट करो पहले, दोनों स्पेस को सिलेक्ट करो, दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करो, सी के आगे ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर और ऊपर करिए, ये तो पूरे को कर देगा, नहीं तो एक लाइन को करिए सिर्फ, हाँ ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, टूल बार में जाइए, टूल बार में ऊपर जो टूल बार है ना वहां पर जाइए, वहां पर क्लिक। टूल बार नहीं है बेटा, है अब वहीं से तो होगा ये, हाँ यहाँ पर होम पेज पे जाइए, होम पेज पे, आपसे आ नहीं रहा है कन्नड़ में बता देता आपको, ये लिख रहा है ना ऊपर पेज लेआउट, उसके बराबर में होम भी होगा, होम है, होम
होम तो सबसे पहले है। हाँ इसी को करिए क्लिक। यहाँ पर एक मर्ज सेंटर का साइन होगा, देखो आगे मर्ज एंड सेंटर लिखा होगा, देखो बीच में। हाँ मर्ज लिखना है, उस पे क्लिक कर दो। सर करना नहीं है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। हो गया ये। हाँ अब चलते हैं हम मिक्स पे। अब देखिए मिक्स कैसे होगा। मिक्स का मतलब है कि रिलेटिव भी हो और एब्सोल्यूट भी हो, दोनों को मिला देंगे तो मिक्स बन जाएगा। अगर हम इसमें रिलेटिव को मिला देंगे, रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट को मिला देंगे तो मिक्स बन जाता है। ठीक है। हाँ। कैसे देखिए, सम एक बार आप डॉलर ले लीजिए और एक बार आप ऐसी रहने दीजिए। या ये वाला किसका है आपका, एब्सोल्यूट का है ये, और ये किसका है आपका, रिलेटिव का है। तो दोनों को मैंने मिला दिया। यस सर। तो ये आपका क्या बन गया, मिक्स बन गया। बनाइए इसको आप लैपटॉप पे बनाइए। लिख लिया आपने, ये नोट कर लिया? यस सर। अब आप इसको लैपटॉप पे बना के दिखाइए। लैपटॉप ऑन करिए, मैं बताता हूँ। लिख ली तीन नंबर। तीन नंबर लिख लिए ना। अब इसी को जैसे सम को परफॉर्म कराए ना, ऐसे ही करना है आपको। हाँ। इसमें इक्वल टू सम। अब ये पॉइंट्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, कौन सा नंबर चला रहे हो आप? एफ 18। एफ 18 डॉलर, एफ डॉलर लिख लीजिएगा। डॉलर इससे कोई मतलब नहीं है, आगे भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो। डॉलर एफ 18 से कहाँ तक है, एच 18 तक। वहां डॉलर मत लगाइएगा, वहां डॉलर मत लगाइएगा एच वाले में। अगर एक में यूज कर लिया तो दूसरे में मत लगाना, जब ही तो होगा मिक्स्ड। हाँ बनाइए। क्या क्यों है ऐसी, क्या है, क्यों है, क्या हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल। Thank you.
क्या वो पोटली मुझे दिखाइए तो सही, क्या बना रहे हैं आप? एक सेकेंड, आ रहा है ना आंसर? सही आ रहे हैं ना इसके? हाँ हाँ तो बस बनाना सीख गए आप, टेबल्स बनाने सीख गए इसकी। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सर, अभी एक बार जब लिख रहे थे तो यहाँ पे ऐसे करके आए थे एक बार। ऑपरेटर क्या हुआ पूर्वी, क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं सर कोई प्रॉब्लम, अरिथमेटिक आप बोल रहे थे कुछ। हाँ अरिथमेटिक परफॉर्म करेंगे, देखो आप बहुत इजी है ये आपके लिए, मैं एक दो दिन में ही करा दूंगा इसे कंप्लीट। आपके सिलेबस में HTML भी है क्या? हाँ तो वो भी हो जाएगा बहुत आसानी से, एक मेरे ख्याल से एक दो दिन में मैं पूरा करा दूंगा HTML। मिला के मत, ये गंदी है ये। तुम्हें करना है, तुम्हें नहीं करना, मैं करना है। पूर्वी बुक दिखाइए, बुक अपनी सर दिखा दी। इसको परफॉर्म करना है, देखो हम एडिशंस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और डिवीजन करेंगे, तो वहीं पर जाइए टेबुलर फॉर्म में जाइए, मैं ये सब डिवीजन वगैरह सब करके दिखाता हूँ अभी। अब जहां पर आपने टोटल लिखा है ना, वहां पर आगे उसके उससे आगे बॉक्स में लिख दीजिए, उसमें आगे कोई भी लिख दीजिए टोटल, एक और टोटल वन लिख दीजिए, टोटल वन कोई भी चीज लिख दीजिए, परफॉर्मेंस लिख दीजिए, परफॉर्मेंस परफॉर्म लिख दीजिए, परफॉर्म लिख दो। हाँ परफॉर्म लिख दीजिए या अरिथमेटिक परफॉर्म लिख दीजिए, अरिथमेटिक परफॉर्म।
एपी लिख दीजिए, एपी मतलब अरिथमेटिक परफॉर्म हो जाएगा। लिखिए नीचे आप लेके आइए। अब यहाँ पर आपने सम तो कर लिया, सम कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई तो लिखिए इक्वल टू मल्टीप्लाई, इक्वल टू मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई वैसे करके लिखना है, एम यू एल टी आई। हाँ एम यू एल टी अपना आप आ जाएगा, इक्वल टू लिखते ही साथ। हाँ देखो तो मल्टीप्लाई आ गया, क्या आ रहा है, मल्टी नॉर्मल। मल्टीप्लाई आ रहा है, क्या आ रहा है, मल्टी नॉर्मल। नीचे मल्टीनेशनल, ये क्या लिख के आ रहा है, मल्टी नॉर्मल नहीं आ रहा, इससे नहीं आ रहा, आपसे नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट। हाँ प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट होता है इसके अंदर, प्रोडक्ट। हाँ तो प्रोडक्ट पर टिक करिए। हाँ अब यहाँ पर जो आपने वहां लिखा था ना F, जो भी लिखा था, क्या लिखा था, F4 to H4। हाँ लिखिए, आ गया। डूबना है, हेलो यस सर, आया आपका मल्टीप्लाई आ गया, यस सर, ये दीजिए, इतने ही आ रहा है मल्टीप्लाई करके। ठीक है सर, एक काम करो ना, आप इतनी बड़ी वैल्यू क्यों ले रहे हो ना, छोटी छोटी वैल्यू ले लीजिए, 10, 20, 30 ऐसे ले लो, 10, 10, 10 करके ले लीजिए, उससे जल्दी मिल जाएगा। दो चीजें 6 और फिर 2 0 3 0। छोटी वैल्यू ले लीजिए, छोटी वैल्यू से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अरे बड़ी वैल्यू में भी और भी सही आ रहा है आंसर्स, यस सर। हो गया 6 आ गया समझ में। अब यहाँ पर हम आपने ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर लिया, अब हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने से इक्वल टू एब्सोल्यूट में डिवाइड करेंगे हम, इक्वल टू डिवाइड, डी आई बी लिखिए, आ रहा है डी आई बी, आ रहा है डिवाइड, नहीं क्या आ रहा है वहां पर, डेटा वैल्यू, डेटा एवरेज, डे डेज, नाउन, एवरेज निकालते हैं, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं मालूम है, कि तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे और उसको 3 से ही डिवाइड कर देंगे।
तो ए बी जी लगाइए पहले, इक्वल टू ए बी जी, ए बी जी, हाँ इक्वल टू ए बी जी, इक्वल टू ए बी जी लिखिए, आ गया मोबाइल भी लेना, मोबाइल खराब पड़ेंगे सारे, मोबाइल लूंगा मोबाइल, बीजी आ गया, ए बी जी नहीं आया, इक्वल टू ए बी जी लगाइए ना, वो लिखी थी पर कुछ भी नहीं आ रहा था, मुझे दोबारा से दिखाइए करके, एक मिनट दोबारा से सब सब आप पूरा रफ कर दीजिए, पूरा रफ कर दीजिए, हाँ इक्वल टू लगाइए, अब लिखिए ए बी जी, ऐसा आ रहा है, ए बी जी आ गया ऊपर, नहीं ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा आपने क्या लिखा है, थोड़ा सा इमेज को पास लेके जाइए अपनी, क्या लिख रहा है, एक सेकंड, ये हैशटैग नेम आ गया वापस, हाँ ये देखिए, आपके में आ क्यों नहीं रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, चलिए एक काम करते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, इक्वल टू मैक्स, इक्वल टू मैक्स लगाइए, इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इसकी मैक्स आ गया, मैक्स आ रहा है, एम इक्वल टू मैक्स आ गया ना, हाँ मैक्स आ गया, मैक्स आ गया, अब इसमें से कॉलन लगाइए, जैसे आपने लगाया था एफ फोर लगाया था, क्या लगाया था, मैक्स आ गया है, एफ एफ इलेवन से लिखूं, हाँ एफ इलेवन, अब इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू वो आपको मिल जाएगी, आ गया ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है आपकी, 40, हाँ अब मिनिमम लीजिए, मिनिमम इक्वल टू मिन, एम आई एन मिन, आई आ गया मिन, हाँ ऐसे जैसे ये लिया ऐसे मिन लीजिए, टेन आ गया, टेन आ गया, अब ए वी जी इक्वल टू ए वी जी, इक्वल टू कुछ भी नहीं आ रहा है, ए बी एस आ रहा है, ए वी ई आर ए जी लीजिए, ए वी ई आया एवरेज, वो भी कुछ भी नहीं आया, एवरेज क्यों नहीं आ रहा, एबीजी कितनी बार निकाल के दिखाया, पता नहीं इसमें क्यों नहीं हो रहा, अच्छा कोई बात नहीं है, आप इसमें निकालिए स्क्वायर रूट इक्वल टू एस क्यू आर टी, एस एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी आ रहा होगा, हाँ अब एस क्यू आर टी किसी का भी एक एक वैल्यू ले लीजिए, किसका निकालना चाहते हैं, एफ का निकालना चाहते हैं, एच का निकालना चाहते हैं, एक ही का ही निकलेगा बस, जी का, एफ जी लिख लीजिए, जी का निकालना चाहते हैं तो जी में किस कॉलम पे किस नंबर पे, जी एक ही नंबर लिखना है बस, दो नहीं लिखने इसमें, हाँ एक ही नंबर है, निकल गया, हाँ ठीक है, ये आपके इतने सारे आपके परफॉर्म हो गए, कल हम इसी से आगे निकले, कल एक्टिविटी करेंगे इसी से आगे परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
आज तक के लिए ध्यान दीजिए, कल हम इससे आगे परफॉर्म करेंगे। हाँ ओके हाँ ये प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम से हम इसको और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करना आप, ठीक है।